नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। कोरोना की वजह से सबसे अधिक नुकसान छात्रों का हुआ। ऑनलाइन क्लासेस के कारण दो वर्ष तक ऑनलाइन परीक्षा ली जाती रही। इस सत्र की शुरुआत भी ऑनलाइन क्लासेस से हुई। यही वजह रही कि विश्वविद्यालय ने ग्रीष्म सत्र की परीक्षा ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन मोड में लेने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को सप्ताह भर भी नहीं हुआ कि उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षा लेने के निर्देश उपकुलपतियों को दिए। ऑनलाइन परीक्षा होने से छात्र कुछ हद तक रिलैक्स थे, लेकिन सरकार के निर्णय ने न केवल छात्रों बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन का भी टेंशन बढ़ा दिया है। ऑनलाइन परीक्षा के पक्षधर छात्रों व छात्र संगठनों का कहना था कि आधे से ज़्यादा समय ऑनलाइन क्लासेस में बीत गया। ऑफलाइन के बाद भी अनेक छात्र लौटे नहीं, हॉस्टल भी समय पर नहीं खोले गए। पढ़ाई अधूरी होने से परीक्षा ऑनलाइन ही ली जाए, छात्रों की मांगों को ध्यान में रखकर पिछले सप्ताह हुई परीक्षा मंडल की बैठक में विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन परीक्षा भी लेने का निर्णय लिया। लेकिन अचानक उच्च शिक्षा मंत्री ने गुगली ने अब छात्रों को सतर्क कर दिया है। विदर्भ राज्य आंदोलन के नेता वामनराव चटप ने बताया कि जब से विदर्भ को संयुक्त महाराष्ट्र में नागपुर करार के तहत शामिल किया गया है, तभी से करार का उल्लंघन होता आ रहा है। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की, दोनों ने विदर्भ की जनता के भरोसे सरकार बनाई और उसे ही धोखा दिया। विदर्भ राज्य की मांग तो 1905 यानी 117 वर्ष से शुरू है। जब से महाराष्ट्र में इसे शामिल किया गया, तभी से यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर पश्चिम महाराष्ट्र संपन्न होता गया और विदर्भ को पिछड़ा बनाने का काम किया गया। आज भी नागपुर करार के अनुसार विदर्भ का 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैकलॉग शेष है, लेकिन जो भी सत्ता में बैठता है वह इससे इनकार करता है। पूर्ववर्ती सरकार ने तो विदर्भ का बैकलॉग पूरा होने का दावा तक किया था। चटप ने बताया कि 7 वर्ष पहले विदर्भ वैधानिक विकास मंडल के विशेषज्ञ मधुकर किम्मतकर ने एक पुस्तिका निकालकर यह सच विदर्भ की जनता के सामने लाया था कि सिंचाई अनुशेष ही 60,000 करोड़ का शेष है। इसके अलावा स्वास्थ्य, सड़क, पीने के पानी, बिजली, उद्योग, शिक्षा, ग्राम विकास, आदिवासी विकास, ऊर्जा विभाग का 15,000 करोड़ रुपये का अनुशेष था। शिवसेना प्रमुख के निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर सांसद नवनीत रवि राणा और शिवसेना के बीच जंग छिड़ गई है। तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। ऐसे में संजय राउत के बयान को लेकर नवनीत ने उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस से शिकायत की है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से की गई शिकायत में उन्होंने राउत के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। यह शिकायत नवनीत राणा के निजी सहायक विनोद गुहे के मार्फत की गई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2014 और 2019 में उन्होंने अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। 2019 में उन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार को हरा दिया। तब से शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं के भड़काने पर 22 और 23 अप्रैल को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने खार स्थित निवास के सामने हंगामा किया। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। राउत ने उन्हें बंटी और बबली और 420 भी कहा। राउत के कहने पर ही शिवसेना कार्यकर्ताओं ने घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। उनके लिए एम्बुलेंस भी बुलवा रखी थी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक कुणाल कुमार ने मंगलवार को नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नागपुर शहर में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट के लिए बनाए जा रहे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस सेंटर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नागपुर स्मार्ट सिटी द्वारा एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। केंद्र में 32 बड़ी स्क्रीन है। इस सेंटर से शहर में लगे 3,600 कैमरों के जरिए नागपुर पुलिस नागपुर में अपराधियों पर नजर रख सकेगी। इसके माध्यम से पुलिस विभाग यातायात नियंत्रण एवं डायल 112 के माध्यम से एक ही स्थान से शहर में विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकेगा। नागपुर स्मार्ट सिटी के सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी, स्मार्ट सिटी मुख्य वित्तीय अधिकारी नेहा झा, कंपनी सचिव भानुप्रिया ठाकुर, इंफ्रा के महाप्रबंधक राजेश दुपारे, ई गवर्नेंस के महाप्रबंधक डॉक्टर शील घुले, योजना प्रमुख राहुल पांडे, पर्यावरण विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रणीता उमरेडकर आदि मौजूद थे। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका के मलेरिया एवं हाथीरोग विभाग ने मंगलवार को मलेरिया जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। निगम प्रशासक एवं आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में
मलेरिया एवं हाथी रोग अधिकारी डॉक्टर जैस्मिन मुलानी के नेतृत्व में कार्यशाला का संचालन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक मोहन मते, सहायक संचालक डॉक्टर निमगड़े, डॉक्टर गायकवाड़, मनपा के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मान्यवरों के हाथों विभाग के उत्कृष्ट कर्मचारियों को प्रमाण पत्रों के वितरण किया गया। कार्यशाला में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने मलेरिया जागरूकता पर मार्गदर्शन प्रदान किया। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए जन जागरूकता रैलियां आयोजित की गई। मलेरिया रोकथाम उपायों के बारे में भी मार्गदर्शन किया गया। स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई। कार्यक्रम का संचालन मंगलवारी जोन के मलेरिया निरीक्षक सत्यवान मेश्राम ने किया, जबकि धंतोली जोन के मलेरिया निरीक्षक दिलीप रामटेके ने धन्यवाद ज्ञापित किया। शहर की बिगड़ी जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की फटकार के बाद महानगर पालिका सक्रिय हुई है। अब मनपा ने शहर में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए OCW द्वारा किए गए कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने गत 10 वर्षों का ऑडिट करने की जानकारी दी। शहर में समान जलापूर्ति नहीं होने तथा कुछ इलाकों में पानी की किल्लत होने पर मनपा अधिकारियों की क्लास ली थी। एक माह पहले ही गडकरी ने शहर के 70% इलाकों में 24/7 जलापूर्ति होने का दावा किया था, किंतु कुछ ही दिनों में जल संकट उजागर होने से नाराजगी जताई थी। सूत्रों के अनुसार 5 वर्षों में 24/7 योजना का क्रियान्वयन किया जाना था, लेकिन यह नहीं किया गया, जबकि वर्तमान में केवल 22% क्षेत्र में ही 24/7 योजना का क्रियान्वयन हो सका है। शहर के जल संकट पर मनपा आयुक्त ने कहा कि वर्तमान में प्रतिदिन 695 MLD पानी की सप्लाई हो रही है। पेज जलाशय और कनान से कंपनी को कच्चा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। सामान्य तौर पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार शहर की यदि 30 लाख भी आबादी मानी जाए तो 450 MLD पानी पर्याप्त है, लेकिन मनपा की ओर से 250 MLD पानी की अतिरिक्त सप्लाई हो रही है। पिछले वर्ष गर्मी की छुट्टियों में शालेय पोषण आहार का वितरण नहीं किया गया, इसके बदले विद्यार्थियों के बैंक खाते में रकम जमा करने का सरकार ने निर्णय लिया है। जिला परिषद के शिक्षण विभाग को गत दिनों निधि उपलब्ध कराई गई, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते स्कूलों को निधि का हस्तांतरण नहीं किया जाने पर सरकार के पास वापस चला गया। सरकार ने लाभार्थी विद्यार्थियों का डाटा मंगवाया है। शिक्षा विभाग की ओर से सरकार को डाटा उपलब्ध कराया गया। शहर और ग्रामीण पात्र लाभार्थी विद्यार्थियों के बैंक खाते में 5,79,93,705 रुपए पोषण आहार अनुदान आने वाले सप्ताह में जमा किया जा सकता है। जिले के 1,799 स्कूलों के विद्यार्थी शालेय पोषण आहार अनुदान के लिए पात्र बताए गए हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अन्न अधिनियम 2013 अंतर्गत कल्याणकारी योजना उपाय योजना के रूप में शालेय विद्यार्थियों को साल 2021 की गर्मी की छुट्टियों में अनाज वितरण करने का निर्णय लिया गया था। कोरोना के चलते स्कूल बंद रहने से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष पोषण आहार वितरण नहीं किया जा सका, इसलिए पोषण आहार के बदले पात्र लाभार्थी विद्यार्थियों के बैंक खाते में अनुदान की रकम जमा करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे की मुख्य पहचान में शामिल डीजल इंजन भी अब भाप वाले इंजन की तरह इतिहास में शामिल हो गया है। मध्य रेलवे व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर विभाग सभी सेक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन से लैस हो गए हैं। अब इन्हें डीजल इंजन की जरूरत नहीं है। इसी तरह छोटी लाइन भी केवल 110 ही शेष बची है, जो दपुमर रेलवे नागपुर के अंतर्गत आने वाली इतवारी नागभीड़ लाइन है। इसे भी जल्द ही बड़ी लाइन में तब्दील किया जाने वाला है। इसके बाद डीजल इंजन की तरह छोटी लाइन भी इतिहास में शामिल हो जाएगी। पहले कोयला और फिर डीजल इंजन रेलवे की मुख्य पहचान रही है। कोयले से चलने वाले भाप वाले इंजन बंद हुए, जमाना हो गया है, लेकिन डीजल इंजन मध्य रेलवे नागपुर मंडल के कुछ सेक्शन में अब तक चल रहे थे। हाईटेक युग में अब रेल लाइनों का भी विद्युतीकरण किया गया है। नागपुर मंडल अंतर्गत विद्युत लोकों का ही राज चल रहा है। नई नरखेड़ अमरावती, आमला छिंदवाड़ा व वनी पिंपुल कुटी के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। अब इन लाइनों पर भी इलेक्ट्रिक इंजन चलने से डीजल इंजन को बाहर कर दिया है। डीजल इंजन का उपयोग अब केवल आपातकालीन स्थिति पर ही हो सकता है। पुलिस थाना हुड़केश्वर, लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल, मालगीनगर शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर एवं शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय के संयुक्त तत्वावधान में तथा नागपुर शहर परिमंडल 4 के उपायुक्त नूरुल हसन एवं अजनी विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादर के मार्गदर्शन में लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल के सचिव दीपक शेंडेकर के अथक प्रयास से हुड़केश्वर पुलिस थाना के प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में हृदय रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला, अस्थि रोग, नेत्र रोग, शल्य चिकित्सा, रक्तचाप, ECG, ब्लड शुगर की निःशुल्क जाँच की गई। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाइयों का मुफ्त वितरण भी किया गया। इस शिविर का लाभ हुडकेश्वर, बेलतरोड़ी, अजनी थाना के अधिकारी व कर्मचारी व उनके परिजन ने तथा परिसर के वरिष्ठ नागरिकों ने लिया। शिविर की शुरुआत अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन करके हुई। इस शिविर का विधिवत उद्घाटन शासकीय दंत महाविद्यालय एवं रुग्णालय नागपुर के अधिष्ठाता डॉक्टर अभय दातारकर एवं सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादार अजनी विभाग के द्वारा सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर दंत महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर वसुंधरा भड़, डॉक्टर खलीकर, शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर के डॉक्टर कामरान शेख, डॉक्टर बोरकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रास्ताविक भाषण हुडकेश्वर थाना की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर ने दिया। आज 15+ और 45+ आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीकाकरण का समय शाम के 4 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी। इसी तरह 15+ और 45+ आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर, मनपा स्त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगति हॉल दिगोरी में उपलब्ध है। दो देशों के बीच युद्ध दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा युद्ध ने भारतीय उत्पादों को रूसी बाजार में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करने का एक बड़ा अवसर मिला है, क्योंकि यूके, यूएस और यूरोपीय संघ के देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने, इन देशों से रूस को सामान की आपूर्ति बंद करने से हुए शून्य को भारतीय सामान से बदलने के लिए एक विशाल मौका दिया है। युद्ध से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश रूस को बड़ी मात्रा में अपना माल निर्यात कर रहे थे। रूस के खिलाफ इन सभी देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद इन देशों से रूस को बड़ी संख्या में माल की आपूर्ति बंद हो गई है और इसलिए वर्तमान स्थिति के तहत रूसी व्यापारिक घरानों द्वारा अब विभिन्न सामानों सोर्सिंग के लिए एक गंतव्य के रूप में भारत को पसंद किया जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के BC भरतिया एवं प्रवीण खंडेलवाल ने इस बारे में कहा कि देश के व्यापारी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं लोकसभा सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्धा साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि साहित्य में समाज के महानायकों पर आधारित वर्धा साहित्य महोत्सव का ये अभियान देश भर में पहुंचेगा। इस महोत्सव के माध्यम से महानायकों के विचार नई पीढ़ी में पहुंचाने की आवश्यकता है। वर्धा साहित्य महोत्सव 2022 महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अमृतलाल नगर सृजन पीठ की ओर से 28 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में वर्धा साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर प्रकाश बर्तुनिया, कुलाधिपति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ तथा वर्धा संसदीय क्षेत्र के सांसद रामदास तड़स उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नीति जैसे जैसे युवावस्था में आएगी राष्ट्र विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया से प्रेरित करता है और ये इस शिक्षा नीति के केंद्र में है। ये शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं को और शक्ति प्रदान करने में कारगर साबित होगी। विधायक समीर मेघे के हाथों किन्ही धानोली हिंगना स्थित गीता पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। उद्घाटन भाषण पर ग्रामीण विभाग के बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले एवं मेरे तरफ से स्कूल को जो भी मदद लगे मैं सर्वोपरि दूंगा, यह आश्वासन विधायक मेघे ने संस्था के अध्यक्ष महेंद्र असाटी को दिया है। उद्घाटन समारोह में भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अरविंद गजबीये, हिंगना नगर परिषद की अध्यक्ष लता गौतम, पूर्व अध्यक्ष भोसकर डॉक्टर अजय पारधी, उमेश अम्बेडकर, विशाल भोसले, नरेंद्र बेहरे, सुनील भोंडे, विकास धाबेकर, दुर्गेश तिवारी आदि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्री की रिकॉर्डेड वीडियो संदेश भी स्क्रीन पर दिखाई गई। उद्घाटन समारोह के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र से अभिभावक, महिलाएं, शिक्षकगण उपस्थित थे। शुभम असाटी ने कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।
गुरुग्राम स्थित एनजीओ जेनेसिस फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के गोंड और मड़िया आदिवासी समुदायों के जन्मजात हृदय दोष वाले 5 बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। नागपुर के किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर प्रणित लेले द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कर्मचारियों की मदद से किए सर्वेक्षण में पाया गया कि बच्चों को हृदय रोग था। सागवान और बांस के जंगलों के लिए मशहूर गढ़चिरौली की नीति आयोग ने आकांक्षी क्षेत्र घोषित किया है। इसी पहल के माध्यम से देश के कई अविकसित जिलों को तेजी से कुशलता से रूपांतरित किया जा रहा है। इन जिलों में नक्सलवाद होने से क्षेत्र के रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र के CHD वाले बच्चों को इलाज के लिए किंग्सवे अस्पताल लाया गया। अस्पताल को जेनेसिस फाउंडेशन द्वारा आर्थिक मदद दी गई और 5 बच्चों का इलाज भी किया गया। गोंड और मड़िया जनजातियों पर जोर देने से इन बच्चों के जीवन में भारी बदलाव आया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के जरिए क्षेत्र में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं को दूर करने में मदद की जा रही है। किंग्सवे अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणित लेले ने कहा, हम इन बच्चों को सही समय पर मदद करने के लिए जेनेसिस फाउंडेशन के आभारी है। स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल ने गत दिनों आयकर विभाग नागपुर के सौजन्य से आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को आयकर संबंधित जानकारी प्रदान की। सहायक आयकर आयुक्त संजय पाहुरकर, आयकर अधिकारी मिलिंद पांडे एवं राहुल दीपाय का प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। आयकर किन्हें अदा करना होता है, कितना अदा करना पड़ता है, एकत्रित आयकर राशि का सरकार कहां व्यय करती है, इस संबंधित विस्तृत जानकारी कक्षा 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को प्रदान की गई। उन्होंने आयकर विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका एक कहानी दादा की जुबानी आयकर इतना सरल स्कूल की लाइब्रेरी को भेंट की। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयकर जनजागृति मुहिम की सराहना करते हुए प्राचार्य ने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रणाली TDS असेसमेंट ईयर की भी संक्षिप्त जानकारी उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित विद्यार्थियों को दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी तैयार करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की भी जानकारी दी। विद्यार्थियों के प्रश्नों के उन्होंने संतोषप्रद जवाब भी दिए। प्रबंधन समिति के स्थानीय निदेशक चंद्रशेखर वरेठिया ने सभी अधिकारियों का अभिनंदन किया। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना की। मध्य रेल के नागपुर मंडल के कर्मचारी स्वप्निल धोपड़े ने 8 से 13 अप्रैल तक जलगांव में आयोजित 41वीं राष्ट्रीय टीम शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 मेडल जीते। भारतीय रेलवे टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया और रजत पदक जीता और उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए इस चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक भी जीता है। इतवारी गांधीबाग स्थित तहसील पुलिस स्टेशन में रमजान ईद के पावन पर्व पर इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया। पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने अपने संबोधन में सभी मुस्लिम भाइयों को बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अनिस अहमद ने पुलिस आयुक्त का शॉल पहनाकर स्वागत किया। मुस्लिम भाइयों सहित व्यापारी समाज सेवक सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन तहसील पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनोने ने माना। रायसोनी समूह के SGR नॉलेज फाउंडेशन तथा चिटनविस सेंटर के संयुक्त विद्यमान से कैप्टन मनीषा पुरी के चर्चा सत्र फ्रॉम सारीज टू स्टीरप्स ट्रू स्टोरीज ऑफ कमर्शियल वुमेन पायलट्स इन इंडिया, ये विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया जाएगा। कैप्टन मनीषा पुरी पूर्व कमर्शियल पायलट तथा लेखक है। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवाली देशपांडे करेगी। चर्चा सत्र का आयोजन टेमरिंड हॉल चिटनविस सेंटर सिविल लाइन्स में शाम 6:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है तथा पहले आने वालों को प्राधान्य दिया जाएगा। कार्यक्रम में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। युवाओं तथा जनता ने इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ उठाने का निवेदन आयोजकों द्वारा किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम के आयोजकों के साथ संपर्क किया जा सकता है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक सेल के जनरल सेक्रेटरी जॉन थॉमस ने महाराष्ट्र राज्य बिजली नियामक आयोग को पत्र लिखकर राज्य की महावितरण कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा जमा का बिल भेजे जाने के फरमान को अन्यायकारी बताते हुए इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि मार्च 2022 के बिजली देयक के साथ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सुरक्षा जमा के नाम पर एक और बिल थमाया गया है। MIRC के वर्ष 2002 के कानून को आधार बनाया गया है, इसका हम तीव्र विरोध करते हैं। स्थानीय निकाय संस्थाओं में OBC वर्ग को आरक्षण देने के संदर्भ में सभी वर्गों का सुझाव आक्षेप विचार आदि जानने के लिए राज्य सरकार ने एक समर्पित आयोग का गठन किया है। आयोग 10 मई तक इस विषय में नागरिकों संगठनों राजनीतिक पार्टियों सामाजिक संस्थाओं से लिखित में उनके सुझाव आक्षेप ले रही है ताकि वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समकक्ष सादर कर सके।
उपजिलाधिकारी मिनल कलस्कर ने सभी संबंधितों से अपील की है कि वे 10 मई के पूर्व अपना मत लिखित में आयोग को भेजें। बताते चले कि राज्य की स्थानीय निकाय संस्थाओं, जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समितियों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण निर्धारित प्रतिशत से अधिक हो जाने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा मांगा है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया है। कलस्कर ने बताया कि संबंधित लोग अपना अभिप्राय समर्पित आयोग के ईमेल पर भेज सकते हैं। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।